जाओ तुम, ठीक है अब तुम्हारा बर्थडे आने वाला, याद रखना। अम्मा मेरे साथ जाके उसके साथ किया क्या तेरी है? तो हम कहेंगे हीरा तेरे लिए तेरा दूल्हा लेके आए, तो हीरा के लिए उसका दूल्हा गिफ्ट लेने लगे। ये कार्ड तक बहुत एक्साइटेड, क्यों हमारे तुम्हें डांटा था? मैं लेने नहीं दे रही थी, मैंने कहा पैसे जाया कर रही हूँ इसलिए। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोफेसर्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो आज जो है ना हीरा का बर्थडे है, बट मैंने सोचा कि उसके बर्थडे पे भी उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दूं। मैं उसके लिए एक्चुअली लेने जा रही हूँ उसका गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, बट मैंने सोचा कि बर्थडे गिफ्ट के बीच बीच में उसके साथ प्रैंक भी करूं। तो अभी वो ऊपर है, तो मैंने ये करना है कि मैं अभी फुल तैयार होकर ना, अभी सब उसके बर्थडे पर जा रहे हैं, इसने लंच रखा है सबके लिए, सब रेडी होने लगे, मैं तैयार होकर बोलूँगी कि मैं तो अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, बट मैं उसको सरप्राइज दूंगी, जाकर उसका गिफ्ट लेकर आऊंगी और फिर डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाऊंगी, या फिर क्या पता घर पे पहुंच जाऊं, तो देखते हैं। बट इसके लिए मुझे साथ मम्मा को मिलाना पड़ेगा, तो मम्मा अभी अंदर है, मम्मा से जाके पहले बात करते हैं। ओके, तो मम्मा इधर, पता है क्या कर रही हो आप इधर? मम्मा इधर जो है ना, हीरापी की आज बर्थडे है, कपड़े निकाल रहा हूँ, क्या पहनूंगी। मम्मा रुक जाए, इधर ही रुक जाए, मैंने आपको सारा प्लान बताने लगी हूँ कि हम हीरापी के साथ प्रैंक कर रहे हैं, ठीक है? आप तैयार होंगी एंड टाइम पर उसको कहेंगे कि हम लोग तो यार वो मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उसके घर पे पार्टी वगैरह कुछ भी है, उसका बर्थडे ऐसे बोलते हैं। तुम जा रही हो ना, मैं तो नहीं। तो आप भी साथ जा रही है ना, क्योंकि गिफ्ट लेने हम दोनों ने जाना है। अच्छा, लेने हमने गिफ्ट जाना है, और उसको क्या कहना है? उसको ये कहना है कि फिर आप, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा, हम उस बर्थडे पे नहीं जा रहे। नहीं तो चलिए, आप सैड हो जाएगी यार, बर्थडे तो मजा आएगा, यही तो मजा है। आप बस जल्दी से तैयार हो जाए, उसके बाद मैं भी तैयार होने लगी हूँ, पूरा बर्थडे वाला होंगे, लेकिन उसको ये शो कराएंगे कि मम्मा जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, तो मैं कपड़े भी उसने मुझे कहना, आप कहना राबिया का प्लान बन गया टाइम पे, वो कहेगी फिर राबिया का साथ देती हैं आप। कोई बात नहीं, कह राबिया मेरी सबसे प्यारी बेटी। चलो यार तैयार होते हैं, देखते हैं क्या पहनना है। हो गया ये हमारी कबर्ड, एंड इसमें क्या पहने क्या पहने क्या पहने क्या पहने, ये पहनेंगे हम। ओके यार, मैं अभी जरा रेडी हो रही हूँ, और पापा आ चुके हैं, हम पापा से परमिशन ले लेते हैं कि पापा जी वो ड्राइवर अंकल और गाड़ी को छोड़ के जाए, मैं अपनी दोस्त की तरफ जाना है। तो इधर ये तो आप दोस्त की तरफ आए, तो सालगिरह है उसकी। नहीं, वो मेरी दोस्त की भी बर्थडे, मैंने उसके बर्थडे पे करना है ना, वही बात थी। अब गाड़ी छोड़ दें बस, और गाड़ी छोड़ दूंगा, लेकिन आप उसकी बर्थडे पे जाओ ना, अपने सिस्टर के बर्थडे, और आप आगे चल पड़े। मम्मा आप बस बताएं पापा को हम जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, गलत है, पापा जी ने ऐसे चापनी, वो मेरे बर्थडे पे आती है, मैंने जब अच्छा नहीं लगता ऐसे, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो आप? बर्थडे जो घर की बर्थडे, आप चल पड़े। मम्मा आप बात करें, तो हमें जाने दो ना, हो सकता है। नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, वो हीरापे को हम सब जा लेंगे, आप तो जाने दो हमें, आप हम बना लेंगे, आप इनको गाड़ी छोड़, हाँ उसी गाड़ी पे इनको ले, बस आप गाड़ी छोड़ जाए, ठीक है? हमें भी मर्जी करने देना, हाँ हमें भी मर्जी करने देना, चल पड़े। उसने इतना फोन किया कि आप भी आए, आप भी आए, हाँ तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ, तो बस गाड़ी छुड़वा दें, तो बस फिर हम जा रहे हैं। ओके, मैं जा रही हूँ, इससे पहले मुझे डांट पिट जानी है। ओके, तो यार ये सबके साथ ही समझो ऑलमोस्ट मैं प्रैंक कर रही हूँ, मेरा मेकअप अभी बिल्कुल इनकम्प्लीट है, तो मेकअप मैं अपना पूरा कर लूँ, फुल तैयार हो जाऊँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे तैयार हुई हूँ। ओके, सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ये शर्ट पहनी है, ये जीन्स एंड दीज शूज, तो अब निकलते हैं, और मम्मा भी इधर फुल रेडी हो गई है। मम्मा बट ये जूता क्या है? देखो चेंज करना है जूता, मम्मा फिर ये वाला पहले, मम्मा निकले अब लेट हो रहे हैं, लेट हो, वो पहले तैयार हो गए, निकलने लगी हैं। अब हम ऊपर हीरापी के पास जाके ना, उसको जरा मैं थोड़ा दिखाती हूँ, हीरापी मैं जा रही हूँ, सॉरी मैं आपकी बर्थडे पे नहीं आ सकती, देखो मैं कितना फॉर्मल बिहेव करती हूँ, जरा चलते देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। बर्थडे गर्ल भी इधर फुल रेडी हो गई है, माशाल्लाह नजर ना लगे बड़ी हो गई है लड़की। मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने ना एक सॉरी, नहीं रुक जो, मैं आपसे एक सॉरी करना था, मेरी फ्रेंड की भी बर्थडे, तो मैं उसकी तरफ जा रही हूँ, सो आई एम सॉरी। चला आपका गिफ्ट पेंडिंग है, वो आपको मैं दे दूंगी। ये मुझे भी साथ लेके जा रही है, और मम्मी भी मेरे साथ ही जा रही है, तो हीरा मैं इसके साथ ही जा रही हूँ, तो ठीक है फिर हम लोग जाना। तो जब मम्मा को क्यों लेके जा रही है? मम्मा को स्पेशल इनविटेशन दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ? कौन सी फ्रेंड ने? यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, वो अच्छा नहीं लगता, अपनी तो मेरे बर्थडे पे आई थी यार, मैं क्या करूँ, सेम डे बर्थडे, मैं क्या करूँ इसमें? तो मेरा बर्थडे छोड़ दो, तो मैं रात को किया, क्या आपका गिफ्ट मेरी तरफ पेंडिंग है, आपको मैं आगे, मुझे तो मैं लगता है मुझे तुम्हारा गिफ्ट चाहिए रबिया। यार मैं क्या कर सकती हूँ, सॉरी मम्मा वहाँ रबे हीरा, मैंने इसको कहा अकेली चली जाओ, मैं मुझे तो जाने दो, हीरा की बर्थडे कह दी, नहीं हम दोनों ने जाना है। यार मैं अकेली आपको पता नहीं जा सकती हूँ, जाओ तुम, ठीक है अब तुम्हारा बर्थडे आने वाला, याद रखना। यार मैं रात को किया तो है पार्टिसिपेट, मम्मा को तो ना लेके जाओ, उससे कहा मैं अकेली नहीं जा सकती, समझो यार बात को, नहीं क्यों नहीं जा सकती? मैं हीरा को नहीं छोड़ सकती, मैं तेरे साथ नहीं जा। मम्मा अब मैंने आपको रेडी किया यार, तो अगर टाइम बचा मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी आधा घंटा पहले। हीरा परमिशन नहीं देगी, मैंने नहीं जाना, नहीं जाना। मम्मा मेरे साथ है कि उसके साथ है? मम्मा को नहीं लेके जाना। मम्मा मेरे साथ है कि उसके साथ है? बर्थडे विश किया क्या तेरी है? चलो खैर हम लोग लेट हो रहे हैं, तो हीरा भी मिलते हैं फिर, फिर भी हैप्पी बर्थडे तो गले नहीं मिलते। अच्छा ना, ठीक है जाओ,
रात को हम मिलके फिर करेंगे, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाना, कोई बात नहीं यार, नाराज नहीं होना, ओके चलो कोई हंसी खुशी, कोई बात नहीं यार, मैं आ जाऊंगी, मैं आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी, बस उसको बस गिफ्ट वगैरह देकर आ जाऊंगी, ठीक है, चलो बाय बाय, चलो मम्मा मम्मा, चलो अब हम लोग जो है वो निकलते हैं। रोना शुरू हो गई, मुझे पता है यार, कोई बात नहीं, अब जब हम उसके वहां पे पहुंचेंगे ना गिफ्ट लेकर, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, बर्थडे में ऐसे प्रैंक्स होते रहते हैं, कोई बात नहीं, अब जब पहुंचेंगे ना बड़ा मजा आना फिर से, हाँ अब उसका हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए, ऐसे मम्मा उसको शक भी नहीं ना होगा कि मैं उसका गिफ्ट लेने जा रही हूँ, ये भी तो आइडिया है ना, बाहर हमारे ड्राइवर अंकल भी हैं, तो हम लोग हम निकलते हैं, हाँ बैग पकड़ लें और कार्ड भी पकड़ लें, आपके पास ही है मेरा, तो अब देखते हैं उसके लिए क्या गिफ्ट लेना है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, उसके लिए मेकअप ले सकते हैं, उसको मेकअप बहुत पसंद है, या फिर मैंने उसके लिए एक प्रैंक वाला गिफ्ट भी सोचा है, वो भी लूंगी, तो लेट्स गो। मम्मा के साथ कप ले जाने का क्या तुक है, मम्मा साथ साथ कॉफी पियेंगी, ओके यार, सो अब हम लोग निकल पड़े हैं हिरापे के गिफ्ट के लिए, देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या हम लोगों ने लेने हैं उसके लिए, और पूरा मैं बास्केट पैक करवा लूंगी उसके लिए अच्छी सी, और एक फनी गिफ्ट ना, हर्ट करके आई हूँ ना, कोई बात नहीं, हर्ट करके फिर खुशी उसको ज्यादा मिलेगी, बर्थडे भी यार प्रैंक होना चाहिए था, ऐसे थोड़ी मैं छोड़ सकती उसको, यार अब वहाँ पे जब मैं डायरेक्ट पहुंचूंगी उसका गिफ्ट लेकर, तो बहुत खुश हो जाएगी, तो बट टाइम से पहुंच जाना, वो लोग अपनी लोकेशन में जाने पे एक घंटा लगेगा, और मैं भी एक घंटे में सारा काम करके वहाँ पहुंच जाऊंगी, क्या कह रही हैं, हो सकता है हम घर ही आज अभी ना निकले, हम फोन करके पूछ लेंगे पहले, ठीक है, हम कहेंगे उनकी बर्थडे कैंसिल हो गई, हम इधर आ रहे हैं, नहीं ये नहीं कहूंगी, बताऊंगी कि भाई प्रैंक करी थी तुम्हारे साथ, मैं बड़ा मिस कर सकती हूँ अपनी बहन का बर्थडे दोस्त के लिए, सो यार हम पहुंच गए हैं यहाँ से, हिरापे का गिफ्ट डिसाइड होगा आखिर उसके लिए क्या लिया जाए, हाँ वैसे मम्मा आइडिया दे रही हैं कि हिरापे ने रूम लिया, उसके रूम के लिए डस्टबिन गिफ्ट में अच्छी लगी, उसके रूम के लिए कोई जैसे डेकोरेशन टाइप कुछ चीज रखने वाली वो ले सकते हैं, जो उसके काम आ जाए, बट बेसिकली उसको मेकअप टाइप चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, तो वो देखते हैं, हिरापे के लिए गाइस हम एक साइकिल लेने लगे हैं सबसे छोटी वाली, मम्मा चाहिए साइकिल, वो कह रही मैंने वो मम्मा बस कहते हैं उसको साइकिल नहीं चाहिए, उसके लिए देखें कुछ इस टाइप का ले सकते हैं, यहाँ से कोई डेकोरेशन जो अपने रूम में रख सके, वो हिरापे में बताओ क्या चाहिए, बट मैं उसकी बहन हूँ मुझे पता होना चाहिए, मम्मा यार देख लो हम तेरे लिए गिफ्ट देख रहे हैं, तेरा तुझे हर्ट करके है ना, नाराज होना हमारा व्लॉग देख के, खुश होना कितना खुश होना, यार मैं सोचूं कि हिरा के लिए ना उसका ड्रीम हाउस ले लेते हैं, ये वाला कि देख लेते कोई ड्रीम हाउस तो उसके लिए ले लें, रियल में तो मैं उसके लिए घर ले नहीं सकती, लेकिन उसके लिए हम लोग एक बड़ा सा महल, तो नहीं ये वाला फनी गिफ्ट उसको बोलूंगी, ये है तुम्हारा गिफ्ट, ये ना ले लें मम्मा, या फिर ये करेगी क्या इसका, मम्मा मजाक प्रैंक है ये, रियल गिफ्ट तो कुछ और लूंगी, ये ले लेती हूँ साथ दूल्हा भी उसका, तो हम कहेंगे हीरा तेरे लिए तेरा दूल्हा लेके आए, तो हीरा के लिए उसका दूल्हा गिफ्ट लेने लगे ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा यार, तो मैंने सोचा कि मैं हीरापे को दूंगी मेकअप वाला बुके, वो मैंने एक ना इंस्टा पे रील देखी जिसमें बुके बना होता है मेकअप होता है, तो वो हम हीरापे को देंगे, अब उसका ये असल वाला गिफ्ट है, प्रैंक वाला गिफ्ट है वो मैं बाद में सोचती हूँ क्या गंदा वाला गिफ्ट देना, यार हम इधर आए थे मेकअप लेने, इधर हमें मेकअप मिला ही नहीं है, फजूल में चक्कर पड़ा इधर हमें, अब हम लोग किसी एक और शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ से होप्स होकर मेकअप हमें मिल जाए, हीरापे का मेकअप है तो इतना एक्सपेंसिव यूज करती है कि वो इन आम शॉप से मिलता ही नहीं है, और ये आते साथ यहाँ पे हम मिले हैं, हेलो, इधर हमें ये मेकअप मिल रहा है जो हिरापे को चाहिए, तो यहाँ से उसके लिए हम चीज़ें चूज़ करते हैं क्या क्या लेनी है, अगर से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं मेकअप की, ये जो है ना ये बहुत फेमस ब्लश आजकल चला हुआ था और ट्रेंड में, तो मैंने कहा ये वाला हिरापे के लिए ले ही लेती हूँ क्योंकि ये उसको बहुत पसंद है, और भी मैंने काफ़ी चीज़ें किस लिए, मम्मा ये अभी मैं चूज़ कर रही हूँ चीज़ें, इधर जो है ना मैं हिरापे का ये लेने लगी हूँ उसके लिए, ये वाला उसको तंग करूँगी कि मैंने हिरापे के लिए लिया है स्पेशल उसका ड्रीम हाउस, तो ये वाला एक उतार दे गाइज, ये मुझे हिरापे के लिए पसंद आया, उसके रूम के लिए डेकोरेशन पीस अच्छा नहीं है मम्मा, अभी क्या करना है मम्मा, ये मैं उसको प्रैंक करना था, तो ये गंदा सा उसको प्रैंक करना है, प्रैंक कर लिया ना पहले उसको इतना तंग करके, मम्मा मुझे डांट रही है कि तुम ये ना लो, तो खैर हम ये वाला फिर कैंसिल करते हैं, बस जो चीज़ें ले ली हैं वो काफ़ी हैं और हम बहुत लेट हो गए हैं, तो चलो निकलते हैं, और ये इधर मैं पैक करवा रही हूँ हिरापे का गिफ्ट, और ये कुछ बच्ची आई हैं, हेलो गर्ल्स, गाइस डॉल हाउस की जगह मुझे आइडिया है मम्मा, मैं उसके साथ प्रैंक करती हूँ फ़ोन का कि मैंने हिरा को फ़ोन गिफ्ट किया, क्या कहती हैं वो भी बिल्ली वाला, वो भी जब मैं कुछ लेने मम्मा, यार प्रैंक मैंने करना ही करना, मुझे नहीं पता, ये ले लो एक, तो यार मुझे आइडिया आ गया, मैं उसका प्रैंक करूंगी वॉच का, मैं उसको बोलूंगी कि मैंने उसको एक अच्छी एक्सपेंसिव वॉच दी है बट अंदर से ये वाली वॉच निकलेगी, तो इस वॉच को जो है ना हम लोग वो वाले डब्बे में डाल देंगे ताकि वो जब खोलेगी तो ये वाली वॉच निकलेगी, ओके यार फाइनली हम लोगों ने गिफ्ट ले लिया, और गिफ्ट लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मैं इतना कन्फ्यूज हो गई थी ना, बट फिर भी कुछ ना कुछ आ गया,
फिर भी रापी अगर आपको पसंद आए, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत मुश्किल से लिए हैं। मम्मा हम लोग सही टाइम पे पहुंचे हैं, वो लोग यहाँ पे बाहर भी गाड़ी निकाल के निकलने लगे। मम्मा साथ पापा से अपडेट ले रही थी कि आप निकले तो नहीं, तो ये लोग बस अभी बाहर निकल ही रहे हैं। तो अब हम इन लोगों को देते हैं सरप्राइज। पापा ने कहना है वापस आ गए तुम लोग, कहाँ से आ गए? हम लोग ने सरप्राइज दिया है, हम लोग नहीं गए थे, रापी गिफ्ट लेने जा रहे थे। आपको लगता है अपनी बहन का बर्थडे मिस कर? हेलो गाइस, ये तो आप भी आई है। कैसी हो आप भी? मेरे व्लॉग में बहुत सालों बाद आप ही आ रही है आज पहली बार। सालों बाद एक महीना हुआ राबिया, महीनों बाद मिली आप भी। मेरी शादी में तुमने सारी वीडियोस बना बना के कह रही हो कि सालों बाद आ रही हूँ। कैसी हो आप भी? ठीक हो? हम लोगों ने तो आना नहीं था। सरप्राइज दिया, सरप्राइज दिया। मैं बोला अपनी दोस्त के लिए अपनी बहन को कभी मिस करवा सकती हूँ? आपको लगता है? बोल रही थी जाते हाँ, नहीं दोस्त के बर्थडे पे नहीं जी, मैं अपनी बहन का बर्थडे कभी मिस नहीं कर सकती। मामा को भी साथ लेके जा रही हूँ। और आपको पता है मैं कहाँ गई थी? आपको गिफ्ट लेने गई थी। लाए हैं बट ये जो है वापिस आने के बाद मिलेगा। अभी बर्थडे पे जाते हैं, घर आके मिस सारे घर आके आप लोग घर आके दीजिए। ठीक है डन। और मैंने बहुत 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 महंगा गिफ्ट लिया आपके लिए। पूरा कार्ड खाली कर दिया तेरे गिफ्ट की। चलो यार अब निकलते हैं हम लोग बर्थडे के लिए और फिर घर आके उसको गिफ्ट देते हैं। ओ इतना क्यूट है डॉगी, उसकी रेड आंखें हैं। हेलो डॉगू, ये कितना प्यारा, ये कार्ड तक। तो यार ये जो गिफ्ट्स हैं ये हम लोग जो हैं इधर रख देते हैं अंदर, आके उसको देंगे, बड़ा खुश हो गई है वो। खैर निकलते हैं और फिर वापस आके उसको गिफ्ट वगैरह देंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या उसका रिएक्शन होता है। सो लेट्स गो। ओए गाइस, हमारी हिरापी का बर्थडे हो गया, बहुत मजा आया, हम लोग घर आ चुके हैं। सो हिरापी आर यू एक्साइटेड फॉर योर गिफ्ट? एक बात तो सच में समझा था कि हम तेरे बर्थडे पे नहीं जा रहे हैं। मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ भला? खैर अपना गिफ्ट के लिए रेडी हो? देखने के लिए एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। इतने मजे के गिफ्ट तेरे लिए लिए और इतने ज्यादा लिए कि तुम खुश हो जाओगी। हाँ लेकिन एक एक गिफ्ट है जो मेन गिफ्ट है वो मैं पहले हिरापी को दे देती हूँ, ठीक है? वो मैं पैक करके ला दूँ, थोड़ा सबर करो, थोड़ा वेट कीजिए। जल्दी से मैं इसको दूंगा, पैक करती हूँ। So guys, अभी उसको जाके देते हैं। So Hirappi, are you ready for your gift? पहले बताओ गिफ्ट पेपर कहाँ से लिए? ये अभी मैं लेकर आई हूँ, खोलो इसको। इधर ध्यान से, इतना खोल, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। खर्चा करे इतनी, मुझसे डांट सुनी है कि सारे पैसे इसमें जी मिल गए हैं। खोलो तो सही, हल्का सा लग रहा है वैसे तो, हल्का सा लेकिन अंदर चीज बहुत अच्छी है। खोलो, व्हाट इज दिस लवे? वॉच, हिरापी को मैंने वॉच गिफ्ट की है। राबिया ये कोई मजाक हो रहा है? खाना ही खाता है यार ये। मजाक करी, सच में रियल वाला गिफ्ट है ये, तो बस प्रैंक था। रियल वाला लेके आओ, रियल में गिफ्ट लिया मैंने आपके लिए, डोंट वरी। खुश होगी बोंगा या कोई बात नहीं है, ये तो बस खेलने की चीज लिया मैंने। रियल गिफ्ट मैंने आपके लिए ऐसा लिया कि जो आप जिसको बहुत ज्यादा यूज करती हो। क्या? अभी देख लेना बात, लेके तो नहीं। रियल गिफ्ट जो है वो आपके दो हैं। मुझसे बात ना करो, मैं हूँ क्रिश। देखो पसंद आई है ना घड़ी, पसंद आई है ना स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन करता है ये। मैं क्रिश हूं, मेरे हाथ से सुपर पावर निकले और ऊपर टाइम भी गलत है घड़ी पे। ये लो अपना गिफ्ट ले लो, ये आपका रियल गिफ्ट है। इतने पैसे लगे हैं रियल पे, इस पे लगे हैं पैसे। ठीक है, खोलो खोलो। देखते हैं हिरापी को पसंद आता है कि नहीं आता। एक एक बात तो, इस मेकअप में एक मम्मा की चीज भी है। इसमें मेकअप है? नहीं, ओ सॉरी मेकअप तो दिया ही नहीं मैंने। खोलो ये खोलो, ऐसे जितने भी मेकअप गिफ्ट है अच्छे। ओ इसके अंदर लैंप है। तुम्हें पता है मैं वाटर बॉटल इतने टाइम से ढूंढ रही थी। वाटर बॉटल नहीं है यार, यार ये सरप्राइज पे सरप्राइज नहीं है, लेकिन रियल अच्छी चीज है ये, आपके रूम के लिए लाई हूँ। क्या है ये? गाड़ियों में रखते हैं? नहीं यार ये रूम में भी रखते हैं। क्या ये गाड़ियों में रखते हैं यार? ये प्यारा नहीं है? मैंने देखा था ये गाड़ियों वाले सेक्शन से उठा के लाई है तुम। नहीं जी नहीं, ऐसे तो मत बोलो तुम। मैंने एक जगह देखा था गाड़ियों में रखा हुआ था। अच्छा ये जैगुआर में रखते हैं क्या? ये जैगुआर है। हाँ जैगुआर है ना, गुड़ी के दी बेबी, तो आपके लिए मैं जैगुआर लाई हूं। रियल वाली ले आती, बट ये मिला है तो जैगुआर गाड़ी भी मिली। एक टाइम पे मुझे छिपकली क्यों लग रही है? जैगुआर नहीं, अपने रूम में रखना ना, अपने रूम चेंज किया। यार मैं जब गाड़ी लूंगी ना अपने लिए तो उसमें भी रखूंगी अकॉर्डिंग टू फातिमा, और तब तक इट्स लाइक बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। चाहिए भी था ये वाला जो शेड था ना,
और ये दो एक मेरी शॉपिंग के साथ अपनी शॉपिंग क्यों करके आई और मेरे गिफ्ट में डालने की हिम्मत कैसे की, ये भी नहीं दूंगी मैं, हर चीज यही थी जो ले थी, मैं कहती अंकल दो दे दे, ये दो दे दे। नाइस, ये बहुत अच्छी है, ये आप लगाओ आपको अच्छी लगेगी। वाटर प्रूफ फाउंडेशन, हाँ टिंट फिनिश, ये टिंट फिनिश है, ये वो है जो आजकल वायरल हुआ ना स्किन टिंट, वो है। ये मैंने दिया है हिरापी को फेमस कलर चेंजिंग फाउंडेशन जो व्हाइट होती है और फिर बाद में चेंज हो जाती है। देखो कितना प्यारा शेड आ गया, हाँ देखा ग्लोई है, हाँ बहुत ग्लोई है, आई लाइक इट। फातिमा तरसी हुई नजर से देखिए, तुम्हारी बर्थडे में इसको कुछ और दिया था, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब तुम जैगुआर लोगी ना उसमें रख लेना, ठीक है। तुम मेरी जैगुआर फेवरेट ड्रीम कार नहीं है, तुम्हारी है, मुझे पता है, मुझे पता है जिसके आगे ये होता है, ये देखो क्रॉस, ये है तुम्हें मर्सिडीज के लोगों का नाम भी नहीं पता, मर्सिडीज नहीं तुम्हारी, तुम बड़ी सारी नहीं होती है। मुझे पता है तुम नाम, तुम अक्सर नाम लेती हो, मुझे गाड़ी भी याद है क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी है। जी वैगन, हाँ जी वैगन मर्सिडीज की है, हाँ तो वो तुम्हारी ड्रीम कार है जिसके आगे नहीं, तो बहुत सारी ड्रीम कार तो वो, लेकिन तुम्हारी मेन है। क्या हीरा भी पसंद आया आपको? बहुत अच्छा, तो गाइस इरापी को फाइनली गिफ्ट पसंद आ गया, फाउंडेशन होने वाली है। ओके थैंक यू, सबसे प्यारा राबिया, सारे गिफ्ट एक साथ भी सबसे अच्छा ये लगा, ये इरापी को सबसे दिखा दो, इसको ये क्यूट लगा है, जो फेक था वो सबसे अच्छा लगा, जो गंदा था सबसे अच्छा लगा। राबिया ने कहा क्रीम लगती है, नहीं फातिमा ये कलर चेंजिंग है, तिब्बत तिब्बत क्रीम है, नहीं अच्छी वाली है, तुम दिखा रहे हो बड़े महंगे में चेंज कर दिया कलर। हाँ वो ये मैंने लगाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, देखो मॉइस्चराइजर भी है। थैंक यू सो मच राबिया इतने सारे गिफ्ट देने के लिए, और जो तुमने डबल डबल साथ साथ अपने भी लिए है ना, मैं वापस नहीं दूंगी। मैं मेकअप को देख के तो लालची हो जाती हूँ यार सारी। तुम हर चीज को देख के ही राबिया लालची हो जाती है, और तुम खर्चे ही लालची, तुम्हें खर्चे की दुकान ठहरी हुई हो घर में, मम्मा तो मुझे कितना परेशान होगी इसको, मैं ऐसे खींच खींच के लाए हूं, खर्चे को लगाम देनी होगी। अब मैं आपसे सेविंग्स करूंगी, मैं ऑस्कर नॉमिनेटेड थी जो उन्होंने छिपकली दी है, चलो गाइस बस खत्म करो। ओके गाइस, तो सो क्या आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से ज्यादा सारे सब्सक्राइबर्स कर दो मेरे, 1 मिलियन कर दो, बर्थडे से पहले करूँ, बर्थडे के बाद हो जाए ताकि मैं अलग से 1 मिलियन की सेलिब्रेशन करूँ। सो बाय बाय।